हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी सेवानिवृत्त पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में हुई। पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई के अध्यक्ष अनूप कपूर ने बताया कि सरकार आज दिन तक जून महीने की पेंशन देने में असफल रही है। मेडिकल भत्तों के भुगतान से वे वंचित हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री पहली व दो तारीख को पेंशन मिलने के दावे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एचआरटीसी प्रबंधन ने भी पेंशनरों का पक्ष सरकार के समक्ष अच्छे से नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को प्रताड़ित करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को 3 तारीख को वेतन दिया गया, लेकिन आज 15 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली है, जिससे पेंशनरों में रोष है। 6 महीने तक उन्हें पहली तारीख को पेंशन मिली, अब फिर समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है। 1 महीने देरी से भी कार्यरत कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती थी, लेकिन राशि की कटौती की कैंची सिर्फ पेंशनरों के लिए है। अनूप कपूर ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पेंशनर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये कैसे निर्णय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में लिए जा रहे हैं? परिवहन मंत्री बार बार प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि हर माह पहली या दो तारीख को आपको पेंशन मिल जाएगी। एचआरटीसी की मैनेजमेंट ने भी हमारा पक्ष जो है मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जो है ठीक ढंग से नहीं रखा है, क्योंकि हर महीने 66 करोड़ की जरूरत है पे और पेंशन के लिए, जबकि 63 करोड़ रुपया सरकार ने देने का निर्णय लिया, परंतु दिया कितना 59 करोड़ रुपया कुल दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एचआरटीसी के पेंशनों को प्रताड़ित करने के लिए मैनेजमेंट ने कार्यरत कर्मचारियों को 3 तारीख को पेंशन पे जो है वो दे दी है। पिछले महीने भी उनको 3 तारीख को मिल गई थी। तो मैं सरकार से, प्रबंधन से सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये राशि की कटौती की कैंची जो है सिर्फ पेंशनरों के लिए है? क्या एक महीने वो रेगुलर कर्मचारियों को भी बाद में पेंशन दे सकते थे, इस महीने हमारे पे दे सकते थे, और इस महीने जो है हमारे को उनसे पहले पे मिलनी चाहिए, जबकि ये पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी सरकार है हमारी और इनको बुजुर्गों और पेंशनरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक निर्णय लिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि 9 करोड़ रुपया जो है जारी किया जाएगा मेडिकल भत्ते के लिए, परंतु आज दिन तक एक भी पैसा जो है यहाँ तक नहीं पहुँचा है। सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो है खोखला नजर आ रहा है। जैसे हालात पिछली सरकार में थे, वही हालात आज की सरकार में है, और सरकार के विरुद्ध आगामी जो वर्षाकालीन सत्र होगा उसके दौरान बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने का हम प्रस्ताव पारित करते हैं यहाँ से, और सरकार को आगाह करते हैं कि वो हमारी परीक्षा मत ले, वरना हमें जो है संघर्ष पे उतरना आता है और उसमें हम पास होकर दिखाएंगे और आपको मजबूर कर देंगे सरकार को कि हर महीने हमारे को पहली तारीख को पेंशन मिले।